Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is Amreen from Peshawar Model School, Naushara Campus. I hope that everyone is fine. Today I am here with my SVT lecture number 6 for grade 2 students. Students, I hope that you are doing your work at home. So today on the page number 6, there is reading of unit number 2 and the lesson name is Lapa Lion Learns to Roar. So before starting this work, we have to do the reading and explanation of this unit. वरना उसके अलावा हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इन क्वेश्चन आंसर्स को कैसे सॉल्व करना है. सो जस्ट ब्रिंग योर बुक एंड आई विल एक्सप्लेन द यूनिट थॉरली. सो हेयर इज़ द यूनिट नंबर 2 कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 8. सो प्लीज़ ओपन पेज नंबर 8 एंड सी, एज यू कैन सी देर आर 2 lions. One is a baby lion and the one is a big lion. So Lapa lion learns to roar, yani ke Lapa lion ne roar karna sikha. Roar means, what is the meaning of roar? Roar is jo sher ka jo gurrana hota hai, jo unki awaaz hoti hai, jo wo dhaadte hain, that is called roar. So I will just give you a thorough explanation of this unit. सो लैपा जो है वो एक बेबी लॉइन था, लॉइन कप, जो लॉइन का बेबी होता है उसे हम कप कहते हैं. वो जो है वो खाना भी अच्छे से खाता था, वो सोता भी था और वो हंटिंग भी करता था. लेकिन जो लैपा था वो रॉर अच्छे से नहीं कर सकता था, वो हमेशा ऑल द टाइम स्माइल करता रहता था. और जो उसकी वजह से जो उसके पापा लॉइन थे वो बहुत अपसेट थे, क्योंकि जो लॉइन होता है उसकी सबसे ज़्यादा जो बड़ी स्ट्रेंथ होती है वो उसकी रॉरिंग होती है. सो वो चाहते थे कि लैपा जो है वो रोर करना सीखे. तो उन्होंने, जैसे आप लोग स्कूल आते हो सब कुछ सीखने के लिए, तो इसी तरीके से जो पापा लॉयन थे उन्होंने लैपा को जो है वो रोरिंग स्कूल भेजा, और ताकि वो अपना जो है वो अपना रोर करना सीख जाए. लैपा को स्कूल बहुत पसंद आया, लेकिन वो वापस आता तो वो वैसे ही स्माइल करता रहता, वो रोरिंग नहीं करता. वो वहाँ जाता, वो खेलता दूसरे लॉयंस के साथ, रनिंग करता, लेकिन रोरिंग जो है वो नहीं करता. और जो बाकी लॉयंस थे, बेबी लॉयंस थे, वो रोरिंग करना सीख रहे थे. एक दफ़ा क्या हुआ कि पापा और लैपा जो है वो जंगल में गए हंटिंग के लिए. तो लैपा जो है वो दरख्तों के आसपास जो है वो घूमने लगा और खेलने लगा. अचानक से जो है वो टाइम गुजरा और अंधेरा हो गया, और इतने में जो लैपा था उसको अपने पापा नहीं मिल रहे थे. वो बहुत अपसेट हुआ, छोटा था, बेबी था, और डर गया वो. ही वॉज स्केयर्ड और उसने अपनी स्माइल करना छोड़ दी और वो रोने लग गया. और एकदम से जो उसकी आंखों से आंसू आने लग गए, लेकिन पापा फिर भी नहीं आए. और फिर क्या हुआ कि और आंसू निकलने लगे, वो रोने लग गया, और एकदम से रोते रोते उसके जो मुंह से रॉर निकला, और एकदम से उसके पापा ने जो है वो उसका रॉर सुना, और वो भागते भागते उसके पास आए, और जो पापा थे उन्होंने लैपा को हग कर लिया. सो दिस वॉज द स्टोरी. नाउ मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज. सो नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन आंसर्स. आई होप कि आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी. सो लेट्स सी क्वेश्चन आंसर्स में क्या है हमारे पास. सी द आंसर्स आर ओवर हेयर. आंसर्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं. वी हैव टू पिक द करेक्ट वन एंड वी विल राइट ओवर हिट. ओके, नाउ ए इज हु रेन टू पापा. पापा के पास कौन भाग के आया. सो लेट्स सी. लैपा वॉज अ बेबी लॉयन. नो. पापा लॉयन वॉज सैड. पापा जो थे वो सैड थे. पापा लॉइन नहीं. पापा वॉज हंटिंग. नो. लैपा रेन टू पापा. येस, दिस इज द करेक्ट आंसर. सो राइट दिस ओवर हेयर. सी आई हैव डन दिस. लैपा रेन टू पापा. जस्ट योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर द आंसर. ओके, नाउ बी इज हु वॉज अ बेबी लॉइन. नाउ सी वन पे है हमारे पास. लैपा वॉज अ बेबी लॉइन. सो राइट दिस ओवर हेयर. सी लैपा वॉज अ बेबी लॉइन. लैपा जो था वो बेबी लॉइन था. ओके डन. नाउ सी इज हु वॉज हंटिंग. कौन हंटिंग कर रहा था. वी हैव डन दिस. पापा लॉइन वॉज सैड. पापा लॉइन सैड थे. नो, दिस इज नॉट द आंसर. लैपा Papa was hunting. Yes, this is the correct answer. Papa was hunting. Just put a tick and write this
over here. Okay, done. We have also done this. Papa was hunting. Papa jo the wo shikar kar rahe the. Hunting means shikar karna. Okay, D, who was sad? So let's see, only one answer is remaining. Papa lion was sad. Papa lion jo hai wo sad the jab Lapa unse ghum gaya tha. So write this answer over here. It is also done. Papa lion was sad. So students, see, we have done this. Do this work in really neat and clean writing, and inshallah I will be back with the next lecture. So till the next time, take care of yourself. Allah Hafiz.